Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा 24/7 में। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पे हमारे सामने टॉपिक मिल रहा है इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज। तो बहुत बार यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन आता है रियो डी सम्मेलन कहाँ हुआ, पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं, और न जाने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तब हमें प्रॉब्लम होती है, तब हम ये सोच में पड़ते हैं कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो है, जानते तो है, लेकिन एक जगह पर मिल जाता तो ज़्यादा आसानी रह जाती। इसलिए आज का सेशन स्पेशली हमारे पर्यावरण को समर्पित है। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी जो भी हुए हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। और शुरुआत कहाँ से हुई थी तो शुरुआत से देखेंगे, यानी कि एक एक करते हुए और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए और उनकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नोट करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से कलम और कॉपी लेकर के बैठना, नहीं तो थोड़ा अगर टेक्निकल है तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है हमें, लेकिन चीज़ें नोट करते हुए चलना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ लिखा भी इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंसेज है। और साथ ही साथ सेशन को बिल्कुल लाइक करते हुए चलना है। आज विजयदशमी दशहरा मिल रहा है आपके लिए, तो आपके क्या हम सभी के लिए है, तो इसलिए हमें आपको दशहरे की शुभकामनाएं। और इसी दशहरे के उपलक्ष्य में पर्यावरण को बचाने वाले काम भी हमें देख लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं वो हमारे सामने मिल रहा है और वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस। वो क्या मिल रहा है हमारे सामने, तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है स्टॉकहोम सम्मेलन। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे वो लिखते हुए चलेंगे, मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून 1972 थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं, बना लेते हैं, हाँ ठीक है, 5 जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहला सम्मेलन माना गया है इसे कि जब हमने पर्यावरण को बचाने को लेकर के कोई कॉन्फ्रेंस करने की बात करी, दुनिया एक जगह पर इकट्ठा होती है, स्टॉकहोम कहाँ है, तो हम देखते हैं कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। नॉर्वे स्वीडन दो मिलते हैं ना, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, जहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। तो स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है और 5 जून को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, 5 जून को क्या डिक्लेयर किया गया, जल्दी से बताना है यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कितने बार पूछा जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और अब क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस सम्मेलन के बाद हुई थी, तो सम्मेलन कौन सा है, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये पहला सम्मेलन आपको ध्यान रख लेना है। अब जब ये सम्मेलन आया तो सम्मेलन के बाद हमने डिसाइड किया कि जो पर्यावरण तो हम बचाएंगे, और पर्यावरण कब बचेगा, जब सभी प्रकार के जीव जंतुओं को इकट्ठा या रोक सकते हैं, उनका अवैध व्यापार और शिकार को रोका जा सकता है, तो हम पर्यावरण भी बचा सकते हैं और हमारे पूरी प्रकृति को बचा सकते हैं। इसीलिए अगला लिखना हमें साइड्स, अगला जो एक और कॉन्फ्रेंस या एक और समझौता हुआ वो है साइट्स। ठीक है, CITES, साइट्स क्या है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्स स्पीसीज।
एंड डेंजरस स्पेसेस, ये हम यहाँ पर देखते हैं। और इसकी सबसे खास बात वो नोट करना, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मिलता है। ये कब का है? ये था 1976 का। 1976 में साइट्स कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरस स्पीसीज की बात हुई थी, और ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है ये, ठीक। बहुत सारे दुनिया भर के जानवर, जिसमें भारत में हाथी, शेर और न जाने कौन कौन इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका व्यापार मना किया गया है आपसी सहमति भागीदारी के द्वारा। तो ये साइट्स भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला हमें मिल जाता है, और वो था वियना कॉन्फ्रेंस। अगली जो कॉन्फ्रेंस आपको नोट करनी है वो कौन सी नोट करनी है? वो कॉन्फ्रेंस आएगी हमारे यहाँ वियना कॉन्फ्रेंस, वियना सम्मेलन। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। 1985 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1985 को कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पहली बार O3 संरक्षण के लिए कोई सम्मेलन हुआ था, ठीक है। O3 के लिए पहला सम्मेलन हुआ ये, ठीक है। ओजोन संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन अगर पूछा जाए वो 1985 का वियना कॉन्फ्रेंस मिलता है हमें, ठीक। ये यहाँ पर बात हुई और दुनिया का जो ध्यान है वो ओजोन की तरफ खींचा गया कि देखो ओजोन परत खराब हो रही है, खत्म हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना इसे। अब ओजोन की बात स्टार्ट करी हमने, अब जब ओजोन की बात स्टार्ट करी तो फिर कुछ टाइम के बाद ओजोन से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट सम्मेलन होता है। कुछ समय के बाद ओजोन से संबंधित एक और सम्मेलन होता है। सेशन को बिल्कुल लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो यहाँ पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो हमारा इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है। बहुत इम्पोर्टेंट मिलती है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी याद करते हुए चलना है, बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, सब चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। अगला है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1985 में हुआ था, ये 87 में हुआ। किस चीज़ से संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल भी संबंधित है ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से। और यहीं पर बात हुई कि हम 16 सितंबर को क्या मनाएंगे? ओजोन संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाने वाले हैं हम? ओजोन संरक्षण दिवस। तो एग्जाम में अगला जो प्रश्न हमारे पास मिलता है अक्सर, वो ये कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं या कौन से सम्मेलन के बाद इसको मनाने की घोषणा हुई थी। तो ओजोन सम्मेलन के बाद, यानी कि जो हमारा मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा का एक शहर है। वहाँ पर सभी देश के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे ओजोन को संरक्षण करने के लिए। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करेंगे और CFC को कम करने की बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बात हुई थी। तो ये दो सम्मेलन किससे? ओजोन से रिलेटेड, ठीक, ओजोन से रिलेटेड। अब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चलेंगे हम। अब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ दोनों नोट कर लेना। सेशन को बिल्कुल लाइक करते हुए चलना है, सेशन को लाइक करते हुए चलना है और साथ ही साथ शेयर भी करते हुए चलना। सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलना है हमें, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद अगला जो हमारे सम्मेलन आता है वो कौन सा आता है? टोरंटो विश्व सम्मेलन, टोरंटो विश्व सम्मेलन। तो टोरंटो विश्व सम्मेलन की बात करते हैं, 1988 में ये सम्मेलन हुआ था टोरंटो में, 1988 में सम्मेलन हुआ था। टोरंटो कनाडा में था ये। टोरंटो कहाँ है? कनाडा में है। और किससे संबंधित था? तो ये
कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है ये। यहाँ पर हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की बात करी यहाँ टोरंटो सम्मेलन में। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो अगली समिट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ कॉन्फ्रेंस या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है 1992 में। और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो शहर ब्राजील का बड़ा फेमस है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहां पर हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था, ब्राजील में ये हुआ था। इसी को ही रियो समिट को ही क्या हम क्या बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तौर पर जानते हैं। और यहां पर एजेंडा 21 आया था। सबसे पहले एजेंडा 21 का मतलब क्या है, 2021 की यहाँ पर बात चल रही है, तो एजेंडा 21 सबसे पहले यहाँ पर आया और किससे संबंधित था ये, तो ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से, ठीक है। ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी संबंधित था हमारा ग्लोबल वार्मिंग के रिडक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने से संबंधित है एजेंडा 21, ठीक। ये हम यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, एजेंडा 21 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, अगली जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें, यहाँ तक बिल्कुल नोट करते हुए चलना, साथ साथ में नोट करते हुए चलो, देखो क्योंकि कॉन्फ्रेंसेज हैं इनके ऊपर एमसीक्यू किसी और दिन फिर लेकर के आएंगे। फिलहाल यहाँ पर सभी कॉन्फ्रेंसेज जो इम्पोर्टेंट हैं, सारी नहीं करवा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मिलती रहती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एग्जाम में रिपीटेड कॉन्फ्रेंस पूछी जाती हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला लिखना क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 का फ्रेमवर्क है, 1992 में क्योटो जापान के एक शहर में यहाँ पर क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये भी, किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आई थी और ग्लोबल वार्मिंग कम करने की बात हुई थी। और यहाँ पर यूएनएफसीसी फुल फॉर्म लिखना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ अस्तित्व में आता है यूएनएफसीसी, ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक। और इसको ही अगर हम देख लेते हैं तो अगला जो पॉइंट इसमें हमारे पास मिलता है वो हम ये कह सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी लंबे सालों तक में धीरे धीरे एक एक करके चलता चला गया और फाइनली लास्ट में 1997 में यूएनएफसीसी इसे पूरे तरीके से स्वीकार कर लिया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, ठीक, क्लियर। यूएनएफसीसी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। और एक लास्ट कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया है जोहान्सबर्ग
बर्ग अर्थ यानी कि पृथ्वी समिट सम्मेलन, जोहान्सबर्ग अर्थ सम्मेलन। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। क्यों फेमस रहा? क्योंकि इसे सेकंड अर्थ समिट नाम दिया जाता है। इसी का ही एक और नाम नोट करना, और वो है, इसे कहा जाता है सेकंड अर्थ कॉन्फ्रेंस, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसे क्या कहा जाता है? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। पहला कौन सा था? पहला रियो डी जेनेरियो ब्राजील वाला पढ़ा था हमने, ठीक है। और यहाँ ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था ये, 2002 में हुआ था ये। 1992 में, तो जोहान्सबर्ग का देख रहे हैं सम्मेलन, 2002 में हुआ था। और सबसे खास बात क्या हुई थी यहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जिसको हम टिकाऊ विकास या फिर जिसे हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन कर रहे हैं हम कि हम भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे संसाधनों का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए जिसको हम अवधारणा को अपना रहे हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे पहले कंसेप्ट आया था वो जोहान्सबर्ग समिट में आया था 2002 में। इम्पोर्टेंट आया था ये कि सभी देशों को इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस की हम बात पढ़ रहे थे, रिपीट कर देते हैं अगर एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने स्टॉकहोम समिट, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात करी थी, ठीक। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू करा? स्टॉकहोम समिट से ये कंसेप्ट आया था। ओजोन का कंसेप्ट यानी कि ओजोन संरक्षण का कंसेप्ट कौन से आया? तो जब हम ओजोन संरक्षण की बात कर रहे थे तो वो कब आया था? वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आया था। मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है, मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है ग्लोबल वार्मिंग से, और अर्थ समिट ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीन चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात। तो जल्दी से क्विकली इनको रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि जितनी जल्दी रिवाइज कर लोगे ना, ये बहुत सिंपल एक एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और एक मार्क्स कन्फर्म हो जाता है हमारा, ठीक, क्लियर। पृथ्वी सम्मेलन है, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है, जोहान्सबर्ग या जो रियो डी जेनेरियो संबंध है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत क्विकली याद हो जाते हैं। तो यहीं तक की बात हम करते हैं आज, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें मिलता नहीं है। बहुत डिटेल में फिर आगे चलेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे वनों को बचाने के लिए कुछ योजनाएं भी चली थी, कुछ आंदोलन चले थे, जैसे चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में, एपिको आंदोलन कर्नाटक वाले रीजन में चला था, मैत्री आंदोलन भी उत्तराखंड वाले रीजन पे चला था। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए अगला एक और इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे, जिसमें ये जल्दी से रिवाइज करने वाली चीज़ों को हम तुरंत पकड़ेंगे। तो तब तक सेशन को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, सेशन को लाइक करते हुए चलना, और साथ ही साथ चीज़ों को या जो चैनल है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। देखो आज जल्दी चल रही है चीज़ें, क्यों? क्योंकि आज विजयदशमी है, तो भैया विजयदशमी है तो इस वजह से चीज़ें जल्दी जल्दी चल रही है, और हमने केवल क्या लिया, एक टॉपिक लिया और उस पर चर्चा कर दी है, ठीक। लेकिन जो रूटीन क्लासेस हमारी होती है उसमें क्या होता है, उसमें डिस्कशन लंबा होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसलिए न्यू स्टूडेंट बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारे दूसरे दोस्त लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिए। इसी तरीके के दूसरे जो क्वेश्चंस और दूसरे जो प्रश्न मिलेंगे वो फिर से ले करके दोबारा से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट करते हुए चलो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।